अमर रहे, पाकिस्तान पाकिस्तानी। मैं नित्यानंद राय एडवोकेट, पूर्व महामंत्री थी बनारस बार एसोसिएशन। आज 23 नवंबर है, आज एक दिन जी। देखिए आज का दिन हम लोग के लिए काला दिवस के रूप में, हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते रहे हैं। आज ही के दिन उस जगह पे साइकिल में रखा हुआ बम, पहले दीवानी कचहरी में बम फटा और उसके बाद कलेक्ट्रेट में 2 मिनट बाद फटा। यहाँ पे हमारे एक साथी जो हमारे बैचमेट थे ब्रह्म प्रकाश शर्मा, वो शहीद हुए थे और बुधराज पटेल शहीद हुए थे। और उस जगह पे भोला सिंह जी जो है पान खा के उठे थे और उसी वक्त जो बूढ़े वो जो है चिथड़े उड़ गए उनके, जो है 9 लोग कुल जो है उसमें शहीद हुए थे उस बम ब्लास्ट में, और 500 लोग घायल हुए थे। चारों तरफ अफरा तफरी और जो शीशे थे और इसकी गूंज जो है पूरे शहर भर में सुनाई पड़ा था। आपको बता दें कि आज तक, आज 14 साल हो गया और उस वक्त मायावती जी की सरकार थी, बड़े बड़े दावे किए गए कि सभी जो है जो आरोपित हैं, जो भी संदिग्ध हैं, वो शिक्षों के पीछे होंगे, फांसी होगा। आज 14 साल हो गए, एक भी मुलजिम पकड़ा नहीं गया। किसने बम ब्लास्ट किया, किसने काशी को दहलाने का षड्यंत्र रचा, किसने काशी को दहलाया, आज तक ये बात रहस्य ही है। इस रहस्य से पर्दा कब उठेगा भगवान जाने। सुरक्षा की दृष्टि देख लीजिए, हम लोग 14 साल से अनवरत ये मांग करते रहे कि जो है सुरक्षा की स्थिति चाक चौबंद हो। तो एक काम हुआ है पिछले साल कि जो पाउंडी वाल दीवानी कचहरी की थी वो 15 फीट ऊंची हो गई, लेकिन अभी भी कलेक्ट्रेट पूरी तरह से भाग भरोसे है, दीवानी भी भाग भरोसे है। आप जाके देख लीजिए, हर 3 गेटों पे मेटल डोर फ्रेम लगा हुआ है, वो काम करता है नहीं करता है, कोई चेकिंग होती है नहीं होती है, कोई एकदम लापरवाही का आलम है। बनारस कचहरी चाहे वो कलेक्ट्रेट हो चाहे दीवानी हो, सब हम लोग भाग्य के भरोसे हैं। जब चाहे आतंकी यहाँ कोई बड़ा आतंकी हमला कर सकते हैं। बात की जाए पहले कमिश्नरेट नहीं जी, जी तो क्या लगता है सुरक्षा व्यवस्था, कोई कमिश्नरेट आने से हमारे जो सुरक्षा व्यवस्था कचहरी की है या बनारस की लॉ एंड ऑर्डर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हम लोग को तो जरा सा भी लग ही नहीं रहा है कि परिवर्तन हुआ है। हमको लगता है इसके लिए जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं, भ्रष्ट पुलिस प्रशासन है, वो जिम्मेदार है। आप जब तक ईमानदार अधिकारी नहीं भेजेंगे, जब तक वो ऑनेस्ट नहीं होगा, वो जाई वसूलेगा तो क्या लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा। आप कमिश्नरेट कर दीजिए चाहे अला के विश्व भारत के सारे आईपीएस यहाँ पोस्ट कर दीजिए, यदि भ्रष्ट पुलिस अधिकारी रहेंगे, भ्रष्ट पुलिस रहेगी, कुछ चेंज नहीं होना है तो पुलिसिंग को सुधारने की जरूरत है। पुलिसिंग नहीं सुधरेगी तो आप कमिश्नरेट कर दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। कई बार आपकी मांग भी हुई है जी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जी, आप ही के बीच के मंत्री भी बने हुए हैं जी, लेकिन क्या लगता है कि अभी हम लोग उनसे बहुत निराश हैं। चाहे वो सर उत्तरी के विधायक मंत्री रविंद्र जायसवाल रहे हों, चाहे दक्षिणी के रहे हों, चाहे वो रोहनिया के, वो भी अपने को एडवोकेट क्लेम करते हैं, लेकिन कचहरी के प्रति तीनों लोग की जो उदासीनता है वो एकदम, जिसको जितनी जिसकी जितनी भी लानत मनानत की जाए, उनका सारा एक फोकस है कि कचहरी किसी तरह जो है यहाँ से संधा या बाबतपुर रोड पर चला जाए, जिससे उनको जो अरबों खरबों का जो प्रोजेक्ट है उसमें अपना हिस्सा उनको मिल जाए। बस उनका सोच यही है, इस कचहरी को कैसे सुधारा जाए, कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसकी कैसी सुरक्षा व्यवस्था हो। वकीलों को बहुत बड़ा दावा था जब वो अध्यक्ष थे यहाँ पे कि यहाँ पे टिनसेट मुक्त कचहरी होगी, लेकिन कुछ भी नहीं किया उन्होंने वकीलों के लिए, तो कुछ नहीं किया। और इससे वकील समाज एकदम मरमाहत है और उनको हम एकदम कड़े शब्दों में उनकी लानत मनानत करते हैं कि अब से भी समय है, यदि वो 1-2 महीना में कुछ कर सकते हो तो कुछ बड़ा करें, अन्यथा जो है अधिवक्ता समुदाय उनको कभी माफ नहीं करने वाला है। हमारा नाम वशिष्ठ कुमार मिश्रा है जी। आप घायल हुए आज? बिल्कुल घायल हुआ था। 23 नवंबर है। हाँ, आज एक दिन जो साथ में बिल्कुल हुआ था। किस तरह से हुआ था? कहाँ आपका चैम्बर था उस समय? यही था। क्या आपकी हानि हुई थी? हमारी बहुत हानि हुई थी, पूरी प्रैक्टिस हमारी चौपट हो गई। क्या प्रशासन के समय और कुछ नहीं क्या आपको मिला? ऐसा है कि प्रशासन से हमको आज तक कुछ नहीं मिला, आज तक कुछ नहीं मिला। जिन लोगों का इसमें हाथ था बम ब्लास्ट में, क्या वो लोग अभी तक पकड़े गए? पता नहीं, अच्छा पता ही नहीं। आज ये 14 साल हो गया। बिल्कुल, उस दर्द को आज आप याद करते हैं तो किस तरह से आपको महसूस हुआ? ऐसा है कि मैं छड़ी के सहारे चल रहा हूँ, छड़ी के सहारे मैं चल रहा हूँ।
कितने लोग हुए थे घायल? हमारे साथ दो लोग मर गए थे, ब्रह्मप्रकाश शर्मा और मेरा मुंशी अजय पांडे। उस समय से लेकर अब तक प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं मिला? सोचा वैसा बात की जाए तो अब पहले में और में क्या अंतर है? अब कमिश्नरेट भी बन गया है। कोई अंतर नहीं है, जैसे लोग आते थे वैसे आ रहे हैं। अभी भी होनी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या मांग करना चाहते हैं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन? ऐसा है कि मेरा जो बकाया है उसको दे दें और कचहरी की सुरक्षा विधिवत कराएं।